संतों के पास जाने से लोग रोक रहे हैं, इनसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता। उस बाबा का विरोध किया और भाजपा के साथियों को, इन्हीं अंधविश्वास फैलाने वाले साथियों को मिर्ची लग गई कि उस बागेश्वर बाबा को अगर कोई सपोर्ट कर रहा हिंदुस्तान में, तो देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर भाजपा आरएसएस का एक एक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ वैज्ञानिक पत्नी की बात करते हैं और दूसरी तरफ नींबू और वो मिर्ची जहाज पर डालते हैं। जो बात हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं, अगर कहीं नुक्कड़ पर, चौराहे पर, गांव में, बस्ती में, गली में, मोहल्ले में अगर सामने से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो सांप्रदायिक हो, उसकी सोच में ऐसी शक्तियां बैठी हुई हो जो हमेशा दबाती रही, कुचलती रही, अच्छी सोच को छुपाती रही, तो उसके सामने ये बातें फिर नहीं आती। क्योंकि मैं एमएलए हूं, विधायक बनने का मौका दिया जनता ने और दो बार हारा भी हूं। जब व्यक्ति कहीं किसी मोड़ पर, नुक्कड़ पर असफलता प्राप्त करता है और उस असफलता को चुनौती के रूप में लेता है, तो उसको जानकारी जमीनी हो जाती है, उसको जमीनी नॉलेज हो जाती है, पता चलता है कि क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, किस वजह से हारे, क्या धन का अभाव था, क्या कारण था। अभी जो चर्चा चल रही है, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक चर्चा जो इस समय आम है पूरे के पूरे देश में, सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर और जमीन पर रहने वाले उस पन्ना प्रमुख तक जो भाजपा के लोग बनाते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में बात कही अभी कल, आपने टीवी पर देखी होगी, आप लोगों ने नजदीकी से उसको अगर जाना ना हो तो मैं उसको दोहरा देता हूं। यहां पर सोशल मीडिया के लोग ज्यादा बैठे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के भी हमारे लोग एक आध होंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो हमारे अखबार के साथी हो और चाहे हमारे न्यूज चैनल के साथी हो, किसी ने बढ़ चढ़कर वो बात नहीं दिखाई। माननीय अखिलेश यादव जी कल एक प्रोग्राम में गए और भाजपा और आरएसएस के लोगों ने उनका वहां पर विरोध किया। बहुत अच्छी बात जो उन्होंने बोली, जो लगातार बोलनी चाहिए, बार बार बोलनी चाहिए, हर मंच से हमको बोलनी चाहिए कि सिर्फ सूर्य होने की वजह से हम लोगों को ये लोग जो मंदिर में संतों के पास जाने से लोग रोक रहे हैं, इनसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा अधर्मी है। इनकी सोच में, विचार में सिर्फ यही चीज बचती है जो चारों तरफ इस समय फैलाने का काम देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए शख्स से लेकर नीचे तक का व्यक्ति कर रहा है, वो है अंधविश्वास। एक बाबा आया है, अभी कुछ बाबा जेल में है और एक बाबा, जिस तरह हमारा सेना का जवान फौज से जब उल्टा आता है सीमा पर नौकरी करके, माइनस के टेम्परेचर में देश की सेवा करके वापस लौटता है, 40 दिन की छुट्टी पाकर आता है, ऐसी एक बाबा को 6 महीने में 40 दिन की छुट्टी देती है ये सरकार। 40 दिन की छुट्टी, जिन्होंने अंधविश्वास को बढ़ाया, वैज्ञानिक तर्कों को नकार दिया। एक बाबा आया है 26 साल का, एक हमारे साथी ने, ओबीसी के साथी ने, लोधी समाज के एक नौजवान ने उस बाबा का विरोध कर दिया मध्य प्रदेश में, उस बाबा का विरोध किया और भाजपा के साथियों को, इन्हीं अंधविश्वास फैलाने वाले साथियों को मिर्ची लग गई, और ऐसी मिर्ची लगी
कि उसको पार्टी से बाहर निकाला और साथ साथ उसको नहीं उसकी जात को सिर्फ इसलिए बेइज्जत किया गया क्योंकि वो शूद्र था, वो लोधी था, इसलिए बेइज्जत किया गया। मुकदमे दर्ज हुए और एक तरफ दूर उसको डाल दिया गया। ये है इस समय की आरएसएस और भाजपा। मैं बधाई देना चाहता हूं उस मंच से कि अखिलेश यादव जी ने कल जिस तरह की बात कही, यो जो बात थी कि भाजपा और आरएसएस, आरएसएस और भाजपा, अगर सूत्र की बात सबसे ज्यादा अगर किसी ने जमीन तक पहुंचाने का काम किया वो इन्हीं लोगों ने किया। अब अंधविश्वास की बात कर रहा था क्योंकि वक्ता कई हैं, लेकिन बोलूंगा जरूर 5-7 मिनट और। अंधविश्वास की बात चल रही है और सब उसमें पड़े हुए हैं। नुक्कड़ पर, चौराहे पर, गलियों में, मोहल्लों में, कस्बों में, गांव में, हर जगह प्लानिंग के साथ इस काम को किया जा रहा है। अभी मुझे पता चला कि हमारे वो चमत्कारिक बाबा जो चेहरा देखकर नाम पढ़ लेते हैं, वो तो हमारी एक बहन ऐसी आ गई, उसने पूरी पोल खोल कर रख दी, उसकी पूरी पोल खोल दी और बता दिया कि यह कोई चमत्कार नहीं है। हमारी उस बहन ने अच्छे कपड़े पहन कर टीवी पर आकर उन्हीं एंकरों को, उन्हीं एंकरों के सामने जो आरएसएस और भाजपा की ढपली लेकर ढोल पीटते रहते हैं, उसी के सामने उस ऐसी मेनस्ट्रीम मीडिया को जनता के सामने जो शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, नंगा करने का काम किया कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो सोच है, जिसको रोज परोसते हो लोगों के सामने, उसको अलग करने का काम किया। लेकिन आपने ये चीज नहीं जानी होगी कि उस बागेश्वर बाबा को अगर कोई सपोर्ट कर रहा हिंदुस्तान में, तो देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर भाजपा आरएसएस का एक एक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। पूरा का पूरा नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया उसकी मदद कर रहा है। और तो और छोड़ो, आपको पता ना चला हो शायद, सुरक्षा सीआरपीएफ की पागिया बाबा सीआरपीएफ की सुरक्षा पागिया, और जितना प्रचार उसका शायद 50 सालों में ना होता, इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसके प्रचार को बढ़ावा देने का काम कर दिया। मैंने अभी एक वीडियो देखी, मैं गाड़ी में बैठा था मंत्री जी, वो वीडियो क्या थी, बाबा अंदर से निकलता है, एक महिला हमारी बहन घुटनों के बल बैठी हुई होती है और उसके पैर की तरफ बढ़ती है और पैर की तरफ मलिया बढ़ती है, उसके जो तथाकथित गुंडे उनके साथ थे उन्होंने उसको धक्का दिया, महिला गिरती है फिर उसकी तरफ बढ़ती है। यह अंधविश्वास किसने पैदा किया, यह अंधविश्वास आया कहां से? और अगर सबसे ज्यादा यह अंधविश्वास है कहीं पर, यह मुसलमान भाइयों के पसमंदा समाज में है और हमारे यहां गरीब पिछड़े नौजवान, आज की तारीख में नौजवान लोगों में भी है। और कौन करने वाला है? यह पूरी सरकार एक एजेंडा के तहत इस अंधविश्वास को फैलाती है। और दूसरी तरफ, एक तरफ वैज्ञानिक पत्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ नींबू और वो मिर्ची जहाज पर टांगते हैं, नींबू और मिर्ची जहाज पर टांगकर चलते हैं। और तो छोड़ो, इनकी खूबियां बहुत हैं, ऐसी खूबियां जो इनको गद्दी दिला रही है, सीट पर ये बैठे हैं और हम सब लोग उसी राह पर चल पड़े हैं। अभी जिक्र किया आपने बिहार का, हमारे उन साथी का, अभी स्वयं प्रसाद मौर्य जी की बात चल रही थी। अरे अपना अपना विचार है, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक चर्चा और बताऊंगा अंधविश्वास की। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में गए थे कुंभ के मेले में, 3-4 तरफ से कैमरे सजे थे, हमारी एक सफाई कर्मचारी महिला आती है और एक अच्छा कालीन बिछा होता है,
मूड़े नुमा स्टूल लगे रहते हैं, प्रधानमंत्री जिस पर विराजते हैं, देश के सबसे शक्तिशाली प्रतिभावान फेक ओबीसी उस पर विराजते हैं और उस बिचारी हमारी महिला सफाई कर्मचारी के पैरों को धुलने का काम करते हैं और देश में एक मैसेज देते हैं कि ये पूरी सरकार इन गरीब लोगों के साथ है। इससे एक लोगों के मन में बात गई कि हमारे वाल्मीकि समाज और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उसके पैर धुलने का काम किया, बेशक वो पैर पहले साबुन से अच्छे वाले से धुलवाए गए होंगे, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो थे सही, अगर सफाई कर्मचारी हमारे, अगर वो वाल्मीकि समाज को कुछ देना चाहते थे, उन सफाई मजदूरों को कुछ देना चाहते थे, तो जैसे ही पहला हाथ मिलते तो कहते कि जितनी संविदा पर कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है उनको सबको परमानेंट देता हूं। तो पैर धोने का कुछ फायदा होता? अरे छोड़ो, परमानेंट ना करते, कम से कम यही कह देते, कम से कम ये कह देते कि जिस आउटसोर्सिंग पर उन सफाई के कर्मचारियों को ठेके पर रखकर हम लोग उनकी सैलरी काटकर उनको पैसे देते हैं, वो पैसे सरकार सीधे उनके खाते में पहुंचाएगी, तो कम से कम 2-4 हजार रुपए का फायदा उनका हो जाता। अरे और छोड़ो, अगर और कुछ अच्छा करना था तो लास्ट में पैर धोते और धोते धोते कम से कम यही कह देते कि 500 रुपए बढ़ा देंगे। वो भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा, क्योंकि ये लोग दिखावे की पूरी पॉलिटिक्स करते हैं, पूरी पॉलिटिक्स इनकी दिखावे की है। महिलाओं की बात आती है, जब हमारी बहनें, हमारी अध्यक्ष यहां से चली गई, उन्होंने कुछ बात अच्छी रखी और मुझे बोलने का उसमें मौका था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों सामाजिक सेवा में, मैं आज यहां पर खड़ा हूं तो हमारी पत्नी हमारे क्षेत्र में गई होंगी, हमारी पत्नी हमारे क्षेत्र में गई होंगी और हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात है, वो बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो वोटिंग राइट से लेकर अगर किसी ने अधिकार दिया, जब सावित्रीबाई फूले जी हमारे और तमाम लोगों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये वोटिंग राइट से लेकर बराबरी का अगर अधिकार किसी ने दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। अभी ओबीसी की चर्चा जब लगातार चलती रहती है, हम बोलते रहते हैं, लेकिन हम, मैं गुजर समाज से हूं,